हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। इन आवर प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस ऑन द शियर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल एंड डिटरमिनेशन ऑफ वेरी शियर स्ट्रेंथ इन द लेबोरेटरी एज वेल एज फील्ड। डिफरेंट मेथड वी डिस्कस्ड इन दिस वीडियो। वी डिस्कस ऑन द सीपे स्पेसर एंड द परमेबिलिटी पोर्सन विच इज लेफ्ट इन दिस in the videos, and this is an important part of your syllabus as well as for the gate point of view. So सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि सीपेस प्रेशर क्या होता है। देखिए, दो तरह के आपने प्रेशर यहाँ पे सुने होंगे। एक पोर प्रेशर आपने सुना होगा और एक सीपेस प्रेशर सुना होगा। तो पोर प्रेशर क्या होता है? पोर प्रेशर आपके जो भी सॉइल, जैसे थ्री फेस सिस्टम है, सैचुरेटेड सॉइल है, सारे के सारे वाइट्स आपके जो होल्स है, जो पोर्स है, वो वाटर से फिल्ड अप है। तो वो वहाँ पे जो भी प्रेशर होगा, जो स्टैटिक प्रेशर होगा वाटर का, पानी का, पोर्स के द्वारा, वो कहलाता है पोर प्रेशर। तो पोर प्रेशर वो जो होता है वो टोटल स्ट्रेस को फाइंड आउट में करने में हम यूज़ करते हैं। इसका यूज़ आपने कंसोलिडेशन में देखा है, इसका यूज़ आपने शियर स्ट्रेंथ थ्योरीज में देखा है, इफेक्टिव स्ट्रेस निकालने में आप इसका यूज़ करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है पोर प्रेशर। देखिए, मैं एक बार आपको ब्रीफली डिस्कस करता हूँ। सपोज़ ये आपके सॉइल के ग्रेन है और सॉइल आपकी कंप्लीटली सैचुरेटेड है। तो यहाँ पे जो भी पानी आपका भरा हुआ है ये पोर्स में, ये पानी का कुछ एक प्रेशर होगा। तो ये प्रेशर हम कैसे डिटरमाइन करते हैं? हम क्या करते हैं, हमें जिस पॉइंट पे पोर प्रेशर निकालना था पौधे, यानी तब यहाँ पे हम एक पिजोमीटर लगाते हैं और इस पिजोमीटर के थ्रू हम यहाँ पे इसका हेड चेक करते हैं। तो ये जो हेड होता है, ये हेड यहाँ तक रहता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक ये हेड जाएगा। तो ये जो हेड है ये कहलाता है पिजोमेट्रिक हेड। ठीक है, तो ये हेड, पिजोमेट्रिक हेड या एटमॉस्फेरिक हेड मल्टीप्लाइड बाय दिस गामा डब्ल्यू इंटू पिजोमेट्रिक हेड। ठीक है, दिस इज़ अवर पोर प्रेशर, जिसको हम यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये तो पोर प्रेशर हो गया। और अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सीपेज प्रेशर की। तो सीपेज प्रेशर क्या होता है? सीपेज प्रेशर को समझने के लिए हम पहले थोड़ी सी बर्नौलीज़ थ्योरम पे जाएंगे, थोड़ा सा फ्लूइड मैकेनिक्स की तरफ बढ़ते हैं। सीपेज, जैसे कि नाम से आप समझ पा रहे हैं कि पानी का फ्लो होना है ना, सीपेज होना, लीक होना। ठीक है, तो पानी किसी भी हाई पॉइंट से लो पॉइंट पे लीक होता है। किसी भी, मान लीजिए कोई एम्बैकमेंट है, कोई किसी तरह का कोई डैम बना हुआ है, लाइक ये कोई डैम है, यहाँ पे ये इसकी अप स्ट्रीम साइड है, ये इसकी डाउन स्ट्रीम साइड है। तो यहाँ का ये जो पानी है ये थ्रू इस डैम इन्फिल्ट्रेट होते हुए ये यहाँ पे सीपेज हो रहा है। ठीक है, या फिर ये यहाँ से कहीं इसके नीचे से होते हुए ये यहाँ पे जा रहा है। तो ये पानी का जो लीक होना ये कहलाता है सीपेज, और ये हमेशा हाई हेड से लो हेड की ओर जाता है। ठीक है, पानी का फ्लो हमेशा हाई हेड से लो हेड होता है। तो इसे कुछ ना कुछ माध्यम मिल जाता है, कुछ ना कुछ इसको मीडिया मिल जाता है जिसके थ्रू ये सीपेज होता है। तो सीपेज प्रेशर का मतलब इस फ्लो के कारण जो वाटर एक प्रेशर एग्जर्ट करता है सॉइल पे, वो कहलाता है सीपेज प्रेशर। अब इसे हम डिस्कस करेंगे, पहले हम थोड़ी सी थ्योरी देखते हैं इसकी। तो थोड़ा सा ब्रीफ में मैं चला जाता हूँ। वेलोसिटी, थ्री तरह के हेड्स हमने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़े हैं, वेलोसिटी हेड, प्रेशर हेड और डेटम हेड। वेलोसिटी हेड वी स्क्वायर बाई टू जी पी बाई गामा डब्ल्यू एंड डेटम हेड इज़ ए हेड। ये तीनों हेड आपको पता है क्या क्या होते हैं। अब यदि हम सॉइल की बात करें तो सॉइल में जो फ्लो होता है वो होता है लेमिनार फ्लो, है ना। और चूंकि सॉइल में मैक्सिमम जो फ्लो होगा उसकी वेलोसिटी बहुत ही निग्लिजिबल होगी, डेट मीन्स जो वाटर की जो इम्परमेबिलिटी होती है या परमेबिलिटी कम होने के कारण वाटर का फ्लो जो है वो बहुत धीरे धीरे जाता है। तो हम क्या करते हैं कि ये जो वेलोसिटी हेड है, जनरली सॉइल के केस में हम इसे इग्नोर कर देते हैं। तो हमारे केस में दो ही तरह के हेड कंसिडरेबल होते हैं, पहला होता है प्रेशर हेड, दूसरा होता है डेटम हेड। ठीक है, अब एक ब्रीफ एग्जांपल हम इसको देख लेते हैं कि सपोज़ यहाँ पे कोई एक पॉइंट है आपका ए, ये कोई पॉइंट है बी। ठीक है, तो हमें इन दोनों के बीच का हेड, इसका हेड तो हो गया आपका एच वन, इसका हेड हो गया एच टू, है ना, एच वन प्लस एच थ्री, इसका एच टू प्लस एच थ्री। एच थ्री क्या है? एच थ्री से डेटम है, हमने इस डेटम के रिस्पेक्ट में इसका हेड निकाला है। तो ये डेटम हेड प्लस पिजोमेट्रिक हेड, डिफरेंट प्रेशर हेड, और यहाँ पे भी डेटम हेड प्लस पिजोमेट्रिक हेड मतलब प्रेशर हेड। तो ये हो गया आपका फर्स्ट ऑफ फर्स्ट में एच वन प्लस एच टू और यहाँ पे एच टू प्लस एच थ्री। ठीक है, एच वन प्लस एच थ्री, एच टू प्लस एच थ्री, ये इसका टोटल हेड हो गया ए पॉइंट का, ये बी पॉइंट का। तो अब हमें निकालना दोनों का डिफरेंस,
डेट मीन हेड लॉस। हेड लॉस क्या होता है कि यहाँ पे जो हेड था और यहाँ पे आते आते हेड, इन दोनों में जितना भी लॉस हुआ है ये कहलाता है हेड लॉस। तो ये हेड लॉस क्या होता है, हेड लॉस विल बी इक्वल टू पी ए माइनस पी बी। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये बचेगा एच वन माइनस एच टू, ठीक है। तो मतलब ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आते आते हेड में एच वन माइनस एच टू का लॉस हो चुका है, हेड का लॉस हो चुका है, ठीक है, हेड लॉस है यहाँ पे, ठीक। तो अब हमें हेड लॉस पता लग गया। अब हेड लॉस पर यूनिट लेंथ, सपोज़ ये कोई एल लेंथ का आपका डे में, तो इस एल लेंथ पे कितना हेड लॉस हो रहा है, तो ये पर यूनिट लेंथ जो होता है ये कहलाता है उसका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या कहलाता है, हेड लॉस विथ रिस्पेक्ट टू दी सेक्शन और लेंथ ऑफ दी पर्टिकुलर डेम आर बॉडी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है आपका, जिसे हम आई से डिनोट करते हैं। आई इज़ दी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, एच एल डिवाइडेड बाई एल, जिसे हम इसे इस तरह से डिनोट करते हैं, हेड लॉस डिवाइडेड बाई एल, ठीक है। तो यही सब चीज़ यहाँ पर है। अब ये क्या होता है आपका सीपेज प्रेशर। अब मान लीजिए कि ये पानी यहाँ से यहाँ पे सीप कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट होता है पानी के कारण। पानी यदि यहाँ से यहाँ फ्लो होगा तो कुछ ना कुछ फ्रिक्शन जनरेट होगा, कुछ ना कुछ सॉइल जो है वो वाटर को अपोज करेगी रोकने के लिए, कुछ ना कुछ एक ड्रैग फोर्स एग्जर्ट करेगी, सॉइल एग्जर्ट करेगी यहाँ पे ड्रैग फोर्स जो कि अपोज करेगी। तो ये जो फ्रिक्शनल ड्रैग फोर्स जनरेट होता है, जिससे आपका क्या होता है कि जो हेड लॉस होता है वो डिसिपिएटेड होता है। जैसे मान लीजिए कि ये एच वन था और यहाँ पे आते आते एच टू हुआ, तो ये हेड लॉस क्यों हुआ, हेड लॉस मतलब ये डिफरेंस कैसे क्रिएट हुआ, डिफरेंस इन दी हेड लॉस, ये हेड लॉस में चेंजेस कैसे हुआ। तो ये जो चेंजेस होता है, ये चेंजेस होने का मेजर रीज़न है ये फ्रिक्शन ड्रैग। ये फ्रिक्शन ड्रैग क्या करता है, इस पानी को यहाँ से यहाँ आने में रोकता है, इसको अपोज करता है, ठीक है, और ये हमेशा विपरीत डायरेक्शन में होता है। तो इसी पर्टिकुलर फोर्स को काउंटरैक्ट करने के लिए या इक्विवेलेंट करने के लिए कहीं ना कहीं पर एक काउंटरिंग फोर्स जनरेट होता है जो इसको बैलेंस करता है ना। इस एक्शन की एक रिएक्शन होती है जो जो कि फ्लो ऑफ डायरेक्शन में होगी। तो ये जो रिएक्शन होती है, इस रिएक्शंस को हम कहते हैं सीपेज प्रेशर। तो सीपेज प्रेशर एक तरह से इक्विवेलेंट टू फ्रिक्शन ड्रैग फोर्स होता है, ठीक है, और सीपेज प्रेशर की डायरेक्शन हमेशा फ्लो की डायरेक्शन के पैरेलल होती है ना इसकी। और ये दो चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि सीपेज प्रेशर हमेशा फ्लो के पैरेलल होता है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या होती है सीपेज प्रेशर में, सीपेज प्रेशर क्या होता है कि यदि ये मान लीजिए कि ये आपका बॉडी है ना, और इसमें जो फ्लो है वो इस तरह से हो रहा है, डाउन अपवर्ड हो रहा है, ठीक है, ठीक है, ये डाउनवर्ड हो रहा है, सॉरी। तो डाउनवर्ड होने के कारण क्या हो रहा है कि सीपेज प्रेशर जो है वो इस डाउनवर्ड होने के कारण सीपेज प्रेशर तो फ्लो की डायरेक्शन पर लगेगा, बट इफेक्टिव स्ट्रेसेस जो होती है आपकी सिग्मा डेस इफेक्टिव स्ट्रेस, ये इफेक्टिव स्ट्रेस यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगी। और यदि आपका फ्लो जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है, तो इफेक्टिव स्ट्रेस आपकी क्या होगी यहाँ पे, सॉरी मैं उल्टा बोल रहा हूँ, यहाँ पे यदि फ्लो आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में यदि फ्लो है, यदि आपका कोई भी बॉडी का फ्लो डाउनवर्ड डायरेक्शन मतलब ग्रेविटेशनल डायरेक्शन में है, तो आपकी इफेक्टिव स्ट्रेस जैसे जैसे आप नीचे आएंगे वैसे वैसे इफेक्टिव स्ट्रेस आपकी इंक्रीज होती जाएगी, है ना। सीपेज प्रेशर यहाँ पे एडेड होगा, मतलब सीपेज प्रेशर विल बी इक्वल टू, मतलब यहाँ पे सीपेज प्रेशर पी एस प्लस जो आपकी इफेक्टिव स्ट्रेस होगी ये दोनों का समराइज होगा, ठीक है। और यदि आपकी फ्लो यदि अपवर्ड होगा तो आपकी सीपेज इफेक्टिव स्ट्रेस जो होगी वो रिड्यूस होगी। तो ये जो हो रहा है मतलब फ्लो की डायरेक्शन के हिसाब से इफेक्टिव स्ट्रेस में जो चेंजेस हो रहा है, ये हम आगे अभी डिस्कस करेंगे कि क्या इफेक्ट होता है सीपेज प्रेशर का इफेक्टिव स्ट्रेसेस पे। बट अभी आप यही ध्यान रखिए, ये फ्रिक्शन फोर्स होता है, फ्रिक्शन फोर्स के इक्विवेलेंट होता है, इसकी डायरेक्शन फ्लो के बराबर होती है, इसका कंपोनेंट यदि सीपेज फोर्स का यदि वर्टिकल है तो आपकी इफेक्टिव स्ट्रेसेस जो है वो रिड्यूस होगी, और यदि डाउनवर्ड है तो इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज होगी, ठीक है। और सीपेज फोर्स
सीपेस प्रेशर या सीपेस फोर्स, हम सीपेस फोर्स की बात करें तो सीपेस फोर्स जो होता है आपका, ये आपका एच सीपेज प्रेशर, सॉरी सीपेज प्रेशर विल बी इक्वल टू एच इंटू गामा डब्ल्यू। तो ये जो एच है ये है आपका पोटेंशियल हेड है, किसी भी पॉइंट पे जो हेड है उसका पोटेंशियल हेड, जो भी प्रेशर हेड है ना उसके बराबर है। जैसे आपने पोर प्रेशर का देखा था तो पोर प्रेशर विल बी इक्वल टू एच डब्ल्यू इंटू गामा डब्ल्यू। तो एच डब्ल्यू क्या था यहाँ पे, एच डब्ल्यू विल बी हाइड्रोस्टेटिक हेड था और ये पोटेंशियल हेड है। देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोस्टेटिक हेड एंड पोटेंशियल हेड। पोटेंशियल हेड इज द सम ऑफ प्रेशर हेड एंड डेटम हेड। ओके, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो यदि सीपेज प्रेशर की बात करी जाए तो एच इंटू गामा डब्ल्यू। अब यहाँ पर अब भी हम क्या जानते हैं कि हाइड्रोस्टेटिक हेड, यदि हमें यहाँ पे हाइड्रोलिक ग्रेडियंट को एनरोल करना है तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट विल बी इक्वल टू एच एल अपॉन में एल। तो मैं यहाँ पे जो ये एच एल है या ये जो एच है इसको मल्टीप्लाई कर दूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ पी एस विल बी इक्वल टू आई इंटू एल इंटू गामा डब्ल्यू। मतलब यदि हमें हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के टर्म्स में सीपेज प्रेशर की बात करनी है तो हम ये इसको इस तरह से डिनोट करेंगे। तो पी एस विल बी इक्वल टू आई इंटू एल इंटू गामा डब्ल्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे आप नोट कर लीजिए। ठीक है, ये देखिए, ये यहाँ पर जो ये है आई इंटू गामा डब्ल्यू। ठीक है, सीपेज फोर्स विल बी इक्वल टू आई इंटू गामा डब्ल्यू इंटू एल। चलिए अब हम इसके इफेक्ट की बात करते हैं कि इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं क्विक सेंड कंडीशन। ये क्वेश्चन कई बार गेट में पूछा जाता है, कई बार आपके एग्जाम में आता है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्विक सेंड कंडीशन। और ये सीधा के सीधा इफेक्टिव स्ट्रेसेस को दर्शाता है, इफेक्टिव स्ट्रेसेस के इफेक्ट को दर्शाता है। तो देखिए, जैसे मैंने आपसे पहले डिस्कस करा था कि यदि अपवर्ड सीपेज होता है तो अपवर्ड सीपेज के कारण क्या होता है कि आपका जो इफेक्टिव स्ट्रेसेस है वो आपकी रिड्यूस हो जाती है, और डाउनवर्ड सीपेज होता है तो इफेक्टिव स्ट्रेस आपकी बढ़ जाती है। तो इसका क्या बेसिक रीज़न है, इसका रीज़न आप समझिए। यहाँ से अपवर्ड सीपेज फ्लो में क्या होता है कि जो सीपेज प्रेशर फोर्स होता है वो बिकम इक्वल टू द बेयंट वेट ऑफ द सॉइल एंड इफेक्टिव स्ट्रेस इन द सॉइल बिकम जीरो। इन अदर वर्ड, द इंक्रीजिंग ऑफ द हेड डिफरेंस एज इट इज़ पॉसिबल टू रीच द कंडीशन वेयर द इफेक्टिव स्ट्रेस इज सॉइल बिकम ए ज़ीरो। देखिए, यदि आपका फ्लो अपवर्ड होगा, ठीक है, तो अपवर्ड होने के कारण जो बायंसी फोर्स आपका लग रहा है डाउनवर्ड, ठीक है, बायंसी फोर्स क्या होता है कि जब आपका जो भी वेट है उसके विपरीत एक फोर्स लगता है, ठीक है, उसको बैलेंस करने के लिए। तो आपका फ्लो जो हो रहा है वो अपवर्ड हो रहा है और आपका जो वेट लग रहा है, जो इफेक्टिव स्ट्रेस लग रही है, जो बॉडी का जो वेट है वो लग रहा है डाउनवर्ड, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, जब इफेक्टिव स्ट्रेस इज इक्वल टू पोर आपका सीपेज प्रेशर, तो आपकी जो नेट स्ट्रेस होती है, नेट स्ट्रेस होती है, जो इफेक्टिव स्ट्रेस होती है वो इस केस में ज़ीरो हो जाती है। मतलब सॉइल सेंड की तरफ, फ्लो की तरफ, वाटर की तरफ फ्लो करने लगती है। तो इसी चीज़ को क्विक सेंड कंडीशन कहते हैं। इसे हम और डिटेल में समझेंगे। देखिए, आपकी इफेक्टिव स्ट्रेस इन केस ऑफ सीपेज प्रेशर क्या होती है, इफेक्टिव स्ट्रेस इन केस ऑफ सीपेज स्ट्रेस, सपोज आपका कोई एक बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी है, ये आपकी ये हाइट है एच और ये सेचुरेटेड है, तो यहाँ पे इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगी, एच इंटू गामा डब्ल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे वाटर का साइमल्टेनियसली फ्लो हो रहा है, पानी भी यहाँ से यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, मतलब ये तो सेचुरेटेड है, दूसरा यहाँ पे पानी इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट पे इस तरह से फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे सीपेज प्रेशर भी आएगा। तो ये सीपेज प्रेशर क्या करेगा कि इस इफेक्टिव स्ट्रेसेस को रिड्यूस कर देगा, क्योंकि ये इफेक्टिव स्ट्रेस तो लग रही है डाउनवर्ड और सीपेज प्रेशर आपका फ्लो हो रहा है अपवर्ड, तो ये रिड्यूस करेगा। तो ये इसकी क्या होती है, इफेक्टिव स्ट्रेस इनके सब सीपेज आपका जो ये होता है, ये होता है एच इंटू गामा डब्ल्यू
प्लस माइनस सीपेज प्रेशर, ठीक है। और ये प्लस कब आता है, ये प्लस आता है जब फ्लो आपका डाउनवर्ड हो, ठीक है। यदि डाउनवर्ड होगा तो डाउनवर्ड होने के कारण आपका जो बायंस फोर्स होगा, लाइक जो आपका वर्टिक ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, वो और ये सीपेज फोर्स दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाएगी तो ये प्लस हो जाएगा। लेकिन इन दोनों की डायरेक्शन विपरीत हो जाएगी तो टोटल जो इफेक्टिव स्ट्रेस आपकी है वो हो जाएगी माइनस। तो ये प्लस और माइनस आपको ये ध्यान रखना है, ये फ्लो यदि डाउनवर्ड है तो प्लस है और फ्लो यदि अपवर्ड है तो ये माइनस है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं क्विक सेंड कंडीशन की, और क्विक सेंड कंडीशन तब होती है जब आपका फ्लो अपवर्ड हो। तो यदि कोई आपका फ्लो अपवर्ड हो रहा है, मतलब यहाँ से कोई वाटर आपका ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे इफेक्टिव स्ट्रेस विल बी इक्वल टू गामा इंटू एच डब्ल्यू माइनस का सीपेज प्रेशर, सीपेज प्रेशर विल बी इक्वल टू आई इंटू एच इंटू गामा डब्ल्यू, ठीक है। यही होता है ना सीपेज प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, ये एच कॉमन निकाल लोगे तो यहाँ बचेगा गामा माइनस का आई गामा डब्ल्यू, और ये जो गामा है, ये गामा है आपका समस्ट, और ये है गामा, यहाँ पे आपका जो बचा हुआ है ये है गामा डब्ल्यू। तो यहाँ से आपका इफेक्टिव स्ट्रेस, टोटल इफेक्टिव स्ट्रेस यहाँ आपका निकला। अब क्या आता है क्विक सेंड कंडीशन में, जैसे कि हमने बताया कि एक किसी तरीके से यदि एक ऐसी सिचुएशन को गेन कर ले कि जब आपकी इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो आ जाए, मतलब हम यहाँ पे ये चाह रहे हैं कि हमें एक ऐसा हेड पता लगे कि जिस हेड पर वाटर आपका अपनी इफेक्टिव स्ट्रेंथ को या स्ट्रेस को खो दे, या वो फ्लो की तरह लिक्विड की तरह फ्लो होने लगे। तो हमें कुल मिलाकर उस हेड की तलाश है, ठीक है। उस हेड को हमें फाइंड आउट करना है, ऐसा किस कौन सा हेड है जब आपकी इफेक्टिव स्ट्रेस जो है वो जीरो हो सकती है। तो हम उस कंडीशन में जाने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो आपका पैरामीटर होता है एच इंटू गामा डब्ल्यू माइनस का आई एच इंटू गामा डब्ल्यू, इसको हम क्या करते हैं जीरो के बराबर पुट कर देते हैं। मतलब हमने टोटल इफेक्टिव स्ट्रेस को यहाँ पे, इफेक्टिव स्ट्रेस को हमने यहाँ पे जीरो के इक्विवेलेंट पुट कर दिया है। तो ये एच से एच कट जाएगा, नहीं सॉरी, ये एच यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, तो एच गामा, सॉरी यहाँ पे गामा समझ रहेगा माइनस का गामा डब्ल्यू इक्वल टू आई गामा डब्ल्यू इक्वल टू ज़ीरो, और यहाँ पे फिर ये वाला आपको आई की वैल्यू निकलेगी, आई विल बी इक्वल टू गामा समस्ट अपॉन में गामा डब्ल्यू, जिसे हम कहते हैं क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। अच्छा, गामा समस्ट और गामा, इसमें क्या, गामा समस्ट का आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, जी गामा डब्ल्यू अपॉन में वन प्लस सी, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पुट कर दिया, इच इज इक्वल टू गामा समस्ट जी माइनस वन गामा डब्ल्यू अपॉन में वन प्लस सी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये जो आपका गामा डब्ल्यू से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो गामा डब्ल्यू से गामा डब्ल्यू कट जाएगा, तो फाइनली यहाँ पे आपको एक हाइड्रोलिक क्रिटिकल ग्रेडियंट मिलेगा जो कि आएगा जी माइनस वन अपॉन में वन प्लस ई, ठीक है। तो यही हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होता है जिसे हम क्रिटिकल ग्रेडियंट भी बोलते हैं, कि इस ग्रेडियंट से ऊपर यदि आपका हेड बढ़ा, ठीक है, ये एकदम मेजर लिमिट हो गई, तो यहाँ पे आपका क्या होगा कि जस्ट इसको छूते ही आपकी जो सेंड क्विक सेंड कंडीशन आ जाएगी। क्विक सेंड कंडीशन का बेसिक मीनिंग यही है कि एक ऐसी कंडीशन को अचीव करना जहाँ पर आपकी सीयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल जो है वो ज़ीरो हो जाए, और ये आपकी कोर्सर सॉइल की कंडीशन होती है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे, सीपेज प्रेशर आपको समझ में आ ही गया, सीपेज फ्लो आपको समझ में आ गया, ठीक है। ये देखिए जी एस माइनस वन अपान में वन प्लस डब्ल्यू, तो आपको ये ध्यान रखना है।
एक जनरल है कि यदि एक यूजुअल रेंज में हम वाइड रेशो को 0.67 के बीच में पुट करें और सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.65 रखें तो ICR की वैल्यू यहाँ पे बन हो जाती है। तो क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्विकसैंड कंडीशन इज अकर्स इन द सैंड बट नॉट इन द क्ले बिकॉज द क्ले इज अ कोहेजन एक्जिस्ट इन इवन द इफ सिग्मा बिकम जीरो, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ कोहेजन रहेगा, ये फार्मूला आपको पता ही है। तो यहाँ पे ये क्विकसैंड कंडीशन अप्लाई नहीं होती है। इन प्रैक्टिस द क्विकसैंड कंडीशन अकर इन द व्हेन द एक्सकेवेशन इज बीइंग मेड बिलो द वाटर टेबल एंड द वाटर विल बी पम्प्ड आउट सच एक्सकेवेशन पिट टू कीप द एरिया फ्री फ्रॉम वाटर। देखिए प्रैक्टिस में क्विकसैंड कंडीशन अकर होती है यदि मान लीजिए आपने एक गड्ढा खोदा और यहाँ पे पास में ही एक यहाँ पे कोई कोर सैंड है जो कि फुली सेचुरेटेड है, ठीक है, वाटर टेबल यहाँ पर है। तो अब आपने क्या करा, यहाँ पे जैसे जैसे आप इसको गड्ढा खोद रहे हो और यहाँ से आप पानी को एक्सकेवेट कर रहे हो, ठीक है, तो पानी को एक्सकेवेट मतलब खींच रहे हो तो पंप आउट कर रहे हो, तो पंप आउट करने के कारण ये जो पानी है ये यहाँ से सीप होगा, ठीक है, तो ये यहाँ पर अपवर्ड फ्लो हो गया वाटर का। वाटर का अपवर्ड फ्लो होने के कारण एक कंडीशन यहाँ पे सीपेज क्विकसैंड कंडीशन आ जाएगी, जब यहाँ पे जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट या हाइड्रोलिक हेड लॉस जिसे हम एच कहते हैं, वो जो ICR है, ICR विल बी इक्वल टू क्या है, गामा समस्ट अपॉन में गामा W, ठीक है, तो वो कंडीशन यहाँ पे यदि अचीव होगी, ये वाली कंडीशन गामा समझ जापान में गामा W, तो ये कंडीशन आते ही यहाँ पे हमें पहले ICR निकालना होगा और वो हेड फाइंड आउट करना होगा जिस पर कि आपका इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो होती है। इसके कुछ रेमेडियस है, देखिए है ना, इसे फिक्स करने के लिए हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे आपको क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आपको पता है कि ये होता है G-1 अपान में 1+C और I क्या होता है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट H अपान में L, तो I को आपको मिनिमाइज करना है, ठीक है, इससे मिनिमम करना है। तो मिनिमम करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये लेंथ है, एल इज़ द लेंथ, लेंथ इज़ द पाथ लेंथ जिससे पानी का फ्लो होगा, है ना, एल इज़ द लेंथ ऑफ पाथ। तो अब ये जो पाथ लेंथ जितनी बढ़ेगी उतना ही आपका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि एक इसको पाथ लेंथ को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, सीट पाइल का यूज़ करेंगे जिससे कि इसकी पाथ लेंथ बढ़ जाए। देखिए इधर ये देखिए यहाँ पे हमने एक सीट पाइल का यूज़ करा जिससे इसकी पाथ लेंथ बढ़ गई, जिससे इसका जो ग्रेडियंट है वो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट रिड्यूस हो गया, ठीक है। उसी तरीके से कुछ और मेथड भी होती है, जैसे आपने यहाँ पे वेट लगा दिया इसके आप स्ट्रीम साइड में, तो इससे टोटल स्ट्रेस यहाँ पे बढ़ गई, टोटल स्ट्रेस बढ़ने के कारण जो है वो भी तब भी आपकी जो इफेक्टिव स्ट्रेस है वो भी बढ़ेगी, तो इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं इन दोनों का जो बैलेंसिंग है वो कम होगा, ठीक है। तो ये कुछ मेथड्स है जनरलाइज्ड। तो ये यहाँ पे आपका सीपेज प्रेशर का पोर्शन जो है वो एंड होता है। अब इसके बाद हम ब्रीफ में देखते हैं इसमें परमेबिलिटी, परमेबिलिटी क्या होती है, परमेबिलिटी कैसे इफेक्ट करती है सॉइल में, इसे हम वन बाय वन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो परमेबिलिटी का जनरल मीनिंग क्या होता है, परमेबिलिटी का मतलब होता है आपका आपका फ्लो होना, वाटर का परमेबिलिटी मतलब वाटर सॉइल के का वाटर को डिस्चार्ज करने की कैपेसिटी, पानी को पास करने की कैपेसिटी, ठीक है, ये कहलाती है परमेबिलिटी। मतलब हमें कुल मिला के देखना कि सॉइल की कितनी एबिलिटी, सॉइल की कितनी क्वालिफिकेशन, कितनी योग्यता है कि वो किस लेवल तक सॉइल जो है वो वाटर को फ्लो करवा रही है ना, जस्ट है फ्लो कैपेसिटी सॉइल की वो कहलाती है उसकी परमेबिलिटी। यदि सॉइल ज़्यादा पोरस है तो ज़्यादा परमेबल होगी, इजीली पानी को डिसिपिएटेड कर देगी, और सॉइल यदि इम्परवियस है तो उसे बहुत टाइम लगेगा उसे परमिएट करने के लिए। तो मैं आपसे वो डिस्कस करता हूँ, परमेबिलिटी को डिस्कस करने से पहले हमें डार्सिला पढ़ना होगा। डार्सिला आपको ध्यान है, डार्सिला क्या कहलाता है, क्या कहता है डार्सिला, क्या होता है डार्सिला विल बी इक्वल टू, देखिए पहले हम परमेबिलिटी देखते हैं। परमेबिलिटी इज ए एस विथ विच वाटर कैन बी फ्लो थ्रू दी सॉइल एनी मीडियम, वही एक ऐसा साधन एक ऐसा एस जिसके माध्यम से सॉइल जो है वो वाटर जो है वो फ्लो करे किसी भी मीडियम से, ठीक है। सॉइल मैकेनिक्स में परमेबिलिटी इज ए सॉइल प्रॉपर्टी विच डिस्क्राइब्ड क्वान्टिटेटिवली द इज विच वाटर फ्लो थ्रू दी सॉइल, ठीक है, क्वांटिटेटिवली
एक तरह से ऐसा पैरामीटर, ऐसी प्रॉपर्टी जिससे जो उसकी वाटर फ्लो कैपेसिटी को दर्शाए या उसको शो करे। इंपॉर्टेंट है इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि सेचुरेटेड सॉइल मैकेनिक्स की हम बात करते हैं और उसमें हमें सॉइल की परमेबिलिटी का फाइंड आउट होना बहुत ज़रूरी है। नॉलेज ऑफ परमेबिलिटी इज़ इम्पोर्टेंट इन सेटलमेंट ऑफ द बिल्डिंग, कंसोलिडेशन, यील्ड ऑफ वेल, सीपेज फ्लो, अर्थ स्ट्रक्चर कंट्रोल, हाइड्रोलिक स्टेबिलिटी एक्सेट्रा। इट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड इन डिजाइन ऑफ द फिल्टर, पाइपिंग, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, सब ड्रेनेज, रेट ऑफ कंसोलिडेशन, कंप्रेसिबल। यहाँ पर एन नंबर ऑफ अप्लीकेशन है जहाँ पर परमेबिलिटी ऑफ सॉइल की इम्पोर्टेंस होती है। ठीक है, तो हम दार्सिला पहले पढ़ लेते हैं। दार्सिला आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, क्यू इज अ डिस्चार्ज, डिस्चार्ज विल बी इक्वल टू के आई ए। ठीक है, के आई ए, या इसे हम दूसरे डायरेक्शन में देखें तो वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, वी इज प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। दिस इज दी दार्सिला। ठीक है, और दार्सिला के कॉरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी को यदि हम डिस्चार्ज के पॉइंट ऑफ व्यू में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं? डिस्चार्ज अपॉन में एरिया विल बी इक्वल टू वेलोसिटी, या डिस्चार्ज विल बी इक्वल टू वेलोसिटी इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, तो हम इसे इस पॉइंट में लिख सकते हैं दोनों को। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आपको पता ही है, हेड लॉस पर यूनिट लेंथ। ठीक है, वेलोसिटी, डिस्चार्ज वेलोसिटी, वी इज द डिस्चार्ज वेलोसिटी और सुपरफिशियल वेलोसिटी ऑफ फ्लो। अब यहाँ पे ऐसे देखिए कि जैसे यहाँ पे कोई हेड है एच वन और यहाँ पे है एच टू, तो हेड लॉस हो गया डेल्टा एच। ठीक है, एच वन टू एच टू, दिस ये थ्रू आउट दी लेंथ है जिस लेंथ पे वाटर को हमें मेज़र करना है। दिस इज़ द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द सॉइल मटेरियल, दिस इज़ द क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, यहाँ से आपका डिस्चार्ज हो रहा है पानी का, इस पॉइंट पर आपने हेड निकाला, इस पॉइंट पर आपने हेड निकाला, तो यहाँ पर हेड डिफरेंस यहाँ पर इस तरह से आ रहा है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे यहाँ पे? आप सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जो के होता है, के इज़ दी परमेबिलिटी। ठीक है, वी इज़क्वल टू के आई या फिर क्यू इज़क्वल टू के आई ए। तो आपको सबसे पहले या तो डिस्चार्ज पता होना चाहिए या वेलोसिटी पता होना चाहिए, क्रॉस सेक्शन एरिया पता होना चाहिए, डेल्टा एच पता होना चाहिए और एल पता होना चाहिए। तो इस फिगर में आपको एल पता है, ए पता है, डिस्चार्ज आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, डिस्चार्ज को आप मेज़र कर लीजिए, यहाँ कितना डिस्चार्ज है एक पर्टिकुलर टाइम में, डिस्चार्ज इज ए वॉल्यूम पर यूनिट टाइम ऑफ वाटर फ्लो, और यहाँ पे आप डिस्चार्ज निकाल लीजिए तो आपको डिस्चार्ज मिल जाएगा, है ना। क्यू पता है आपको, आपको आई पता है, आई इज़ द डेल्टा एच पता है, एल पता है और ए पता है, तो यहाँ से आप परमेबिलिटी को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब एक इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि एक्चुअल डिस वेलोसिटी और सीपेज वेलोसिटी क्या कहलाती है, या फिर इसे हम दूसरी लैंग्वेज में समझे तो एक्चुअल परमेबिलिटी और सीपेज परमेबिलिटी क्या कहलाती है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि एक्चुअल परमेबिलिटी क्या है या सीपेज परमेबिलिटी क्या है या एक्चुअल वेलोसिटी। तो हम क्या करते हैं कि इसे प्रैक्टिकली समझने के लिए हम हमेशा डिस्चार्ज वेलोसिटी की बात करते हैं, डिस्चार्ज की ही बात करते हैं, डिस्चार्ज वेलोसिटी का ही हम यूज़ करते हैं, जिसे फ्लो वेलोसिटी भी कहते हैं। लेकिन जो सीपेज वेलोसिटी होती है या जो एक्चुअल वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, तो समझिए डिस्चार्ज वेलोसिटी में हमने क्या करा था कि टोटल एरिया हमने कंसिडर करा था। देखिए तो टोटल एरिया कैसे करा था, वेलोसिटी विल बी इक्वल टू के आई या डिस्चार्ज विल बी इक्वल टू के आई ए। तो ये ए क्या है, टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, ये टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ मटेरियल। बट आपको भी पता है कि इस मटेरियल में जो फ्लो हो रहा है, जो एरिया है, जो इफेक्टिव एरिया है जो हमारे काम का है, वो है ओनली पोर्स ऑफ वाटर। ठीक है, ये जो वाटर के पोर्स है इस टोटल क्रॉस एरिया में, वही हमारे काम के हैं। ठीक है, उसी में से वाटर फ्लो होगा, बाकी रिमेनिंग सॉलिड पोर्शन में तो वाटर फ्लो नहीं होगा। तो हम जब एक्चुअल वेलोसिटी की बात करते हैं तो इंस्टीड ऑफ कंसीडरिंग दिस क्रॉस सेक्शन एरिया, वी कंसीडर द एरिया ऑफ दिस पोर्स। ठीक है, तो यही एक बेसिक डिफरेंस होता है इन दोनों में। तो हम यदि एक्चुअल वेलोसिटी की बात करें तो एक्चुअल वेलोसिटी या सीपेज वेलोसिटी विल बी इक्वल टू दिस, सीपेज वेलोसिटी विल बी इक्वल टू डिस्चार्ज अपॉन में एरिया ऑफ द वॉइड्स या एरिया ऑफ द पोर्स। ठीक है,
और हम जानते हैं क्यू इक्वल टू ए वी, ये होता है डिस्चार्ज वेलोसिटी और ये होती है आपकी सीपेज वेलोसिटी। तो हमने दोनों वेलोसिटी को कंटिन्यू इक्वेशन से बराबर कर दिया। तो यहाँ पे आप देखेंगे वी एस, वी एस विल बी इक्वल टू वी अपॉन में ए वी वाई ए, ए वी वाई ए ये क्या है, एरिया ऑफ दी वाइट्स अपॉन में टोटल एरिया, ठीक है। या फिर हम इसको वॉल्यूम ऑफ द वाइट्स अपॉन में टोटल वॉल्यूम लिख सकते हैं, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द वाइट्स अपॉन में टोटल वॉल्यूम। और ये क्या होता है, ये होता है आपका पोरोसिटी, ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ वाइड अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होता है आपका वाइड रेशियो, ये आपको ध्यान है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं तो हम इसे यहाँ पे डिनोट करते हैं पोरोसिटी से। तो यहाँ पे आपने एक रिलेशन निकाला वी एस विल बी इक्वल टू वी वाई एन, मतलब आपको यदि सीपेज वेलोसिटी निकालनी है तो आप पोरोसिटी से डिवाइड कर देंगे वी से। अच्छा, इन दोनों में से बड़ा कौन है, ऑलवेज आपकी जो वी एस है वो हमेशा ग्रेटर देन वी होगी, वी एस इज ऑलवेज ग्रेटर देन वी, क्योंकि ऑब्वियसली एरिया जिसमें कम होगा उसी में वेलोसिटी आपकी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो एक पॉइंट तो यहाँ पे ये क्लियर हुआ। अब इसके बाद ये कुछ बेसिक से क्वेश्चन से सिंपल है, आपको बस ये फार्मूला ध्यान रखना क्यू इक्वल टू के आई ए हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, इसके बेसिस पे हो जाएगा। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है इसमें कोफिशियंट ऑफ परमेबिलिटी। तो परमेबिलिटी का जो कोफिशियंट होता है वो हम जनरली सेंटीमीटर पर सेकंड में इसे डिनोट करते हैं। कोफिशियंट ऑफ परमेबिलिटी मतलब परमेबिलिटी को हम कैसे यूज़ करते हैं, परमेबिलिटी इज एक्सप्रेस इन द यूनिट ऑफ वेलोसिटी सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। हाँ, एक चीज़ यहाँ पर कि कुछ एक जनरलाइज्ड परमेबिलिटी की रेंज आपको ये गिवन है, ये आप नोट कर लीजिए। ग्रेवल होती है तो उसकी परमेबिलिटी हमेशा 1 सेंटीमीटर पर सेकंड से ज़्यादा होती है। ग्रेवल हमेशा परमेबल होता है, सेंड भी आपका परवियस या परमेबल होता है, सिल्ट जो होती है वो स्लाइटली परमियस होती है, और जो क्ले होती है वो इम्परवियस होती है। आपको भी पता है कि ग्रेवल की साइज़ क्या होती है, 4.75 mm से ग्रेटर, सेंड जो होती है वो कितनी होती है, 75 to 4.75, फिर 75 to 2 micron तक आपकी होती सिल्ट, और 2 micron से लेस देन जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो आपकी कहलाती है, क्या कहलाती है, क्ले, ठीक है। तो क्ले हमेशा इम्परवियस होती है और जो ग्रेवल्स होते हैं वो हमेशा परवियस होते हैं या परमेबल होते हैं, ठीक है। इनकी एक टेंटेटिव रेंज है, 10⁻⁶ तक ये जाता है, ठीक है, ओके। ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें हमें डिस्कस करनी है, डिटर्मिनेशन ऑफ कोफिशियंट ऑफ परमेबिलिटी। तो दो तरह की लेबोरेटरी मेथड होती है, एक होती है कॉन्स्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट और एक होता है वेरिएबल हेड परमेबिलिटी टेस्ट। ये क्या होता है, ये आपके लैब में भी है, जैसे आप अच्छे से समझिए। देखिए, द इंस्ट्रूमेंट्स वर बी यूज फॉर द परमेबिलिटर। अब हम बात करते हैं, कुछ फील्ड मेथड भी होती है पंपिंग आउट और पंपिंग इन टेस्ट, और कुछ इनडायरेक्ट मेथड भी होती है, लाइक हम कंसोलिडेशन टेस्ट से भी पता कर सकते हैं और हम हमेशा हाइड्रोमीटर टेस्ट से भी परमेबिलिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कॉन्स्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट की बात करते हैं। कॉन्स्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट क्या होता है, देखिए यहाँ पे पहला ही वर्ड लिखा है कॉन्स्टेंट हेड। तो कॉन्स्टेंट हेड का मतलब क्या हुआ कि ऐसा टेस्ट जिसमें आपका जो हेड है वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहे थ्रू आउट द टेस्ट। तो इसे हम करने के लिए हम क्या करते हैं कि हमारी लैब में, इसे पहले आप इस तो इसको इस तरह से समझिए कि ये सपोज़ कोई आपका सॉइल सैंपल है, ठीक है। इस सॉइल सैंपल को आपने क्या करा, इस तरह से प्लेस करा और यहाँ पे आपने एक कोई हेड बना लिया, कोई किसी एक कंटेनर से यहाँ पे आपने प्रेशर दिया, ठीक है, ये प्रेशर जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो इसका हेड है, इसकी ये जो ये है इसकी एल लेंथ है और यहाँ से ये डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है, ये क्यों निकल रहा है। तो यहाँ पे आपने एक व्हीकल लगा के इस पानी को आप मेज़र कर रहे हो पर यूनिट टाइम पे, ठीक है। तो आपको वॉल्यूम मिल रहा है, टाइम मिल रहा है, तो यहाँ से आपने डिस्चार्ज निकाल लिया। हमें परमेबिलिटी निकालने के लिए क्या क्या ज़रूरत है, हमें डिस्चार्ज की ज़रूरत है, हमें क्रॉस सेक्शन एरिया की ज़रूरत है, हमें हेड लॉस की ज़रूरत है, हमें लेंथ की ज़रूरत है। चार पैरामीटर यदि हमारे पास है तो हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमें इसका क्रॉस सेक्शन एरिया पता है, हमें इसका एल पता है, इसका डिस्चार्ज हम यहाँ से मेज़र कर लेंगे, और इसका हेड लॉस चूँकि अभी कॉन्स्टेंट हेड है तो इसका हेड लॉस हमेशा एच ही होगा, तो ये भी हमें पता है। तो इस तरह से हम कॉन्स्टेंट हेड में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, हम इसे इजीली निकाल सकते हैं। तो देखिए, कॉन्स्टेंट हेड जो टेस्ट होता है, सबसे पहले टेस्ट होता है कोर्सर सॉइल के लिए,
ठीक है। और डिग्री ऑफ सेचुरेशन हमेशा 100% होनी चाहिए, मतलब मटेरियल आपका फुली सेचुरेटेड होना चाहिए, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक पानी आपका इजीली निकले तब ये सेचुरेटेड कहलाएगा, सारे वॉइड्स आपके सेचुरेटेड हो। तो दो कंडीशंस को आपको फुलफिल करना है। हाँ, पहली चीज़ जैसे मैंने बताया कोर्सर सॉइल, तो ये कोर्सर सॉइल के लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि कोर्सर सॉइल के लिए इसलिए ज़रूरी है कि इसमें आप कोई भी ये क्विक टेस्ट की कैटेगरी में आता है, मतलब आपकी सॉइल यदि कोर्सर होगी तो इजी वे में आपका पानी यहाँ से इजीली चला जाएगा और ये आप इजी वे में इसको मेज़र कर सकते हो। अगली वाली जो मेथड है फॉलिंग हेड मेथड, वो क्ले के लिए होती है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप जब तक ये समझिए कि ये कोर्सर सॉइल के लिए ही यूज़ होता है। कोर्सर सॉइल का यूज़ तभी हम करते हैं जब हमें इस टेस्ट का यूज़ हम तभी करते हैं जब हमें सॉइल कोर्सर होता है, कि हम फटाफट इस टेस्ट को कर सकें, विद इन ए आवर हम इस टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं लेबोरेटरी में। अब लेबोरेटरी में इसको करने के लिए क्या हमारे पास होता है, तो लेबोरेटरी में हमारे पास एक मोल्ड होता है, ठीक है। उस मोल्ड के अंदर हम क्या करते हैं, तीन अलग अलग लेयर में हम इसमें सॉइल को भर देते हैं, एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इसे हम कॉम्पैक्टेड कर देते हैं आपका OMC और MDD पे। OMC और MDD हम कॉम्पैक्शन टेस्ट से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। इस मोल्ड का एरिया हमें पता है और यहाँ पे एक ट्यूब होती है पानी को निकालने के लिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इस सैंपल को सेचुरेट कर देते हैं। सेचुरेट करने के लिए क्या करते हैं कि हमारे पास एक टैंक है लेबोरेटरी में पानी से भरा हुआ, इसका एक ट्यूब हम यहाँ पे इसके टॉप पे एक सिस्टम होता है इससे अटैच कर देते हैं, ठीक है। तो जब हम इसको इससे अटैच करते हैं तो इसे हम छोड़ देते हैं। अब देखिए, यदि यहाँ पे कोर्सर सॉइल होगी तो ये एक दो घंटे में सेचुरेट हो जाएगी। यदि मतलब कोर्सर सॉइल मतलब सेंड या सिल्ट या फिर ग्रेवल्स का पोर्शन होगा तो कुछ देर में सेचुरेट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर यदि आपकी कोर्सर सॉइल नहीं है, यदि आपकी यहाँ पर आपकी ग्रेनुलर सॉइल नहीं है, यदि आपकी क्लेली सॉइल है, तो इसके सेचुरेशन में ही कई दिन लग जाएंगे, कई मतलब मंथ भी लग सकते हैं इसे सेचुरेट करने में। तो फिर हम यहाँ पर क्या करते हैं, फिर एक हाइड्रोलिक प्रेशर के माध्यम से यहाँ पे एक प्रेशर अप्लाई करते हैं और इसे क्विक सेचुरेट करते हैं, ठीक है। तो ये दूसरी मेथड होती है, बट फर्स्ट मेथड तो कोर्स सॉइल के लिए होती है। अब वंस आपका ये एक कोई जो है वो कंटेनर बन गया, पूरा सेचुरेटेड हो गया, तो अब हमने क्या करा यहाँ पर ये जो आपका एक यहाँ पे एक ट्यूब लगी होती है, एक स्केल होती है उस ट्यूब में, ठीक है। और ये स्केल होती है जो वॉल्यूम को शो करती है, ठीक है। और ये पानी की ट्यूब होती है, तो इस पानी की ट्यूब में हम क्या करते हैं, हम इस पानी की ट्यूब में अब हम क्या करेंगे कि ये जो आपका कंटेनर है, सॉरी, इस कंटेनर को, इस सिलेंडर को, जो पानी का टैंक है, इसके एक इनलेट को हम क्या करेंगे यहाँ पे इंसर्ट करेंगे और यहाँ से जो भी पानी आपका निकल रहा है उसे हम टाइम के साथ में मेज़र करेंगे, ठीक है। सपोज़ आपको एक मिनट में कितना पानी यहाँ पे आया ML में, वो आपने नोट कर लिया, या फिर एक पर्टिकुलर आपने पैरामीटर रख लिया कि 5 ML में कितना टाइम लग रहा है, वो आपने मेज़र करके आपने डिस्चार्ज निकाल लिया। डिस्चार्ज क्या होता है, डिस्चार्ज होता है वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। तो यहाँ से आपने सबसे पहले डिस्चार्ज निकाला, फिर उस सैंपल का क्रॉस सेक्शन एरिया स्टैंडर्ड है, तो ये आपको पता है, इसकी लेंथ भी स्टैंडर्ड है, ये भी आपको पता है, और इसका हेड मतलब कि ये इसके इस टैंक के लेवल से जहाँ से ये पानी आ रहा है यहाँ से लेके तो इसके बॉटम तक कितना हेड है, ये कहलाता है इसका हेड, ठीक है। तो ये हेड आपने मेज़र कर लिया, ये हेड आपको पता है, मतलब इसके जो इंसर्ट आपने जब ये करा है, देखिए इस फिगर में देखिए ये एज क्या है, तो आपने क्या करा कि इसके टॉप पे एक हेड लगाया, एक ठीक है, टॉप का हेड आपको पता लग गया। हेड क्या आता है, उस पर्टिकुलर फ्लो जो पानी उसमें से जिस बॉडी में से फ्लो हो रहा है उनके बीच का डिफरेंस, जैसे हमने इसको यहाँ पर देखा था, ठीक है, कि सपोज़ ये कोई बॉडी है ना, यहाँ पर मान लीजिए इस तरह से बॉडी है, तो यहाँ पे आपने इस पॉइंट पे देखा हेड और इस पॉइंट पे देखा, तो इसका हेड कितना हुआ इस डेटम के रिस्पेक्ट में, ये हुआ, और इसका हेड इस डेटम के रिस्पेक्ट में ये हुआ, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ये कहलाता है डेल्टा एच, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हेड आपका कांस्टेंट है थ्रू आउट द टेस्ट, ठीक है। ये जो हेड है, ये जो हेड है, ये हेड आपका थ्रू आउट द टेस्ट कांस्टेंट है, तो इसीलिए इसे हम कहते हैं कांस्टेंट हेड टेस्ट। और आपको सारा पैरामीटर निकल गया, इसके बाद आप यहाँ से इजी वे में डिस्चार्ज को यहाँ से QL / AS से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है।
अब दूसरा होता है वेरिंग हेड या फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट, ये टेस्ट भी हमारे पास अवेलेबल है। अब इसमें क्या अंतर होता है, इसमें सबसे पहले ये टेस्ट जो है वो क्ले सॉइल के लिए यूज़ होता है या फिर ऐसी सॉइल फाइन सॉइल के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, अनडिस्टर्ब सैंपल के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। अनडिस्टर्ब्ड सैंपल मतलब जो फील्ड से हमें एक्सट्रैक्ट होता है, ठीक है, सिलेंडर को पेस्ट करके हम इसको कर सकते हैं। अब ये टेस्ट में क्या होता है, टाइम लगता है, तो टाइम जब चूंकि आपके फाइन सॉइल है तो सेचूरेट होने में टाइम, सबसे पहले स्टेज तो सेचूरेशन है, उसके बाद वाटर के सीपेज होने में भी इसमें टाइम लगता है। तो हम यहाँ करते हैं कि यहाँ पे क्या हमारा हेड कॉन्स्टेंट ना होते हुए यहाँ पे हम हेड को फॉलिंग कराते हैं या वेरिएबल कराते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट बस इतना है कि सबसे पहले जैसे आपने सॉइल सैंपल लिया, प्रोसेस दोनों की सेम है, ठीक है, प्रोसेस सेम है, बस यहाँ पे आपने क्या करा है कि यहाँ पे ये जो आपकी एक नली है, आपने एक ट्यूब ली, उस ट्यूब को इससे कनेक्टेड कर दिया। तो आपने सपोज़ इस ट्यूब का पानी जो है सेचुरेटेड होने के बाद, सपोज़ इस ट्यूब के अंदर जो लेवल था पानी का वो था एल एच वन टी वन टाइम पे। अब क्या हुआ कि ये जो पानी का लेवल है ये हो गया एच टू टी टू टाइम पे, वेयर एच वन इज़ ग्रेटर देन एच टू, मतलब सपोज़ ये 10 ml था, ये 20 ml था, तो अब यहाँ पे 10 ml हो गया, ठीक है। तो ये वेरिएबल हेड का मतलब यहाँ पे जो हेड है, यहाँ पे पहले जो हेड था वो था एच वन और यहाँ पे जो हेड था वो हो गया एच टू, मतलब यदि इसको बॉटम से हम देखें तो हेड में जो डिफरेंस आ रहा है वो वेरिएशन यहाँ पे चेंज हो रहा है एच वन और ये एच टू, तो ये कहलाता है वेरिएबल हेड। अब इसके लिए सेम प्रोसेस होती है, हम वो मोल्ड प्रिपेयर करते हैं जैसा कि मोल्ड उसमें था, सैचुरेट करते हैं और यहाँ पे एक ट्यूब होती है पतली सी, सैचुरेट करने के बाद हम इसे कंटेनर से ना लगाते हुए पतली सी ट्यूब जो दीवार पे वॉल पे माउंटेड होती है उसे यहाँ ऐसे अटैच कर देते हैं और हम कुछ भी इंटरवल पे हम ऐसे 5-7 टेस्ट के रिजल्ट ले सकते हैं और उनका एवरेज कर सकते हैं। लाइक आपने सपोज 10 बजे टेस्ट स्टार्ट करा तो 10 बजे आपका वाटर का लेवल था मान लीजिए 70 ml, ठीक है, तो आपने नोट कर लिया, फिर 10 पे इसका लेवल हो गया मान लीजिए 69 हो गया, 68 हो गया, फिर 64 हो गया, 63 हो गया, तो किसी भी दो कंजेक्टिव पास वास की रीडिंग का टाइम के डिफरेंस में आपको पता होना चाहिए, मतलब आपको इस टेस्ट के लिए H1, H2, T1, T2 पता होना चाहिए, मतलब पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे H1 क्या था और T2 क्या था। कुछ भी आप टाइम ले लीजिए, किसी भी दो टाइम के बीच में H1 H2 की आपको वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर इसका एक छोटा सा एक रिलेशन होता है जिसको हम यूज़ करते हैं, वो रिलेशन है ये वाला, इस फार्मूले से, इस डेरिवेटिव, ये डेरिवेटन आप ध्यान से देखिएगा, इस डेरिवेशन के थ्रू आप जाएंगे और यहाँ से आप इंटीग्रेशन करके ये रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। ये रिलेशन होता है के इज़क्ल टू ए एल अपॉन में ए टी लॉग 10 H1 अपॉन में H2, ठीक है, L अपॉन में ए टी लॉग 10 H1 अपॉन में H2। तो ये जो T है ये टाइम इंटरवल है, ठीक है, कितने मिनट आपने देखा T1 माइनस T2। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, A इज़ दी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ये ट्यूब, ये जो पतली सी ट्यूब है जिससे पानी आ रहा है ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, और L इज़ दी लेंथ ऑफ सॉइल सैंपल, और जो कैपिटल A है ये टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया है सॉइल सैंपल का, और H1 H2 टाइम इंटरवल है। तो आपको बस यहाँ पे ये ए तो कांस्टेंट हो गया, ये एल भी कांस्टेंट हो गया, ये ए भी कांस्टेंट हो गया, बस यहाँ पे जो वेरिएबल है वो एक टी है और ये H1 H2 है। तो ये टी मतलब T1 माइनस T2 है और H1 मतलब H2, मतलब T1 टाइम पे H1 और T2 टाइम पे H2 आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से आप इसको निकाल सकते हो, इसको यदि आप लॉग ई के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ये है और लॉग 10 के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो 2.303 एल अपॉन में ए टी लॉग 10 H1 अपॉन में H2। तो ये दो फार्मूले आप नोट कर लीजिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूले, ठीक है। तो ये दो टेस्ट हमने देखे यहाँ पर। अब दोनों टेस्ट में बेसिक डिफरेंस यही है कि जो आपका फॉलिंग हेड टेस्ट होता है, फॉलिंग हेड टेस्ट आप हमेशा जो है वो क्लेनी सॉइल के लिए यूज़ करेंगे और जो आपका ये वाला जो है आपका कॉन्स्टेंट रेट है वो हमेशा कोर्सर सॉइल के लिए यूज़ करेंगे। ये भी कई बार गेट में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब इसके अलावा फील्ड टेस्ट मेथड्स होती है, डार्सिला पंपिंग आउट पंपिंग इन टेस्ट होता है, ये आपने सब जियोलॉजी में या फिर वाटर रिसोर्सेज में आपने ड्यूपिस थ्योरी पढ़ी होगी, ठीक है। तो वही ड्यूपिस थ्योरी के ये फार्मूले है के इक्वल टू, दो तरह के आपने एक्वीफर्स पढ़े होंगे, कन्फाइंड एंड अनकन्फाइंड एक्वीफर्स। तो कन्फाइंड अनकन्फाइंड एक्वीफर्स के लिए ये फार्मूला होता है 2.303 क्यू लॉग 10 R2 अपॉन में R1 पाई एच स्क्वायर 2 माइनस H1 स्क्वायर
और सेम आपने ये पढ़ा होगा एक कन्फाइंड एक्वीफर के लिए भी, तो कन्फाइंड एक्वीफर का ये फार्मूला है 2πD H2 - H1। ट्रांसमिसिबिलिटी वगैरह आपने वहाँ पर सभी डिस्कस करा होगा। अब आगे हम पढ़ते हैं फैक्टर अफेक्टिंग दी परमेबिलिटी। ठीक है, तो परमेबिलिटी को क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो देखिए, परमेबिलिटी का मतलब जस्ट होता है वाटर के फ्लो करने की कैपेसिटी। तो क्या क्या आपको लग रहा है, सबसे पहला फैक्टर है पार्टिकल साइज। पार्टिकल साइज जितने छोटे होंगे उतना परमेबिलिटी कम होगी, और जितने बड़े होंगे उतना परमेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो परमेबिलिटी इज़ ए प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वेयर, मतलब पार्टिकल के डायमीटर का स्क्वेयर। जितना डायमीटर का साइज ज़्यादा होगा उसके स्क्वेयर गुना परमेबिलिटी आपकी ज़्यादा होगी। ठीक है, दूसरा वाइड रेशो, जितनी गैप होगी ऑब्वियसली जितना साइज बड़ा होगा उतनी ही गैप ज़्यादा होगी। जैसे जैसे बड़े बड़े पार्टिकल होंगे तो उनके बीच की गैप भी बढ़ती जाएगी, और छोटे छोटे पार्टिकल होंगे तो इस तरह से चिपके हुए रहेंगे। ठीक है, तो वाइड रेशो इंपॉर्टेंट है। वाइड रेशो में एक छोटा सा एक डेरिवेशन है जो आपको ध्यान रखना है, वो ये है K इज प्रोपोर्शनल टू ई क्यूब अपान में 1+E, या K इज इक्वल टू सी अपान में ई क्यूब अपान में 1+ई। सी इज अ सेफ फैक्टर, ई इज अ वाइड रेशो, ई क्यूब अपान में 1+E। कई बार कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आपको E1 E2 पता होता है दो साइल है तो उसमें आपको परमेबिलिटी निकालने के लिए कहा जाता है। समटाइम्स हम इस रिलेशन को भी यूज़ करते हैं, तो ये अलग अलग रिलेशन है। फिर आपका है इफ़ेक्ट ऑफ परमिएंट। परमिएंट का मतलब होता है विस्कोसिटी एंड टेम्परेचर, मतलब परमिएंट और परमेबल। परमिएंट मतलब मीडिया, कौन सा मीडिया फ्लो हो रहा है, तो परमिएंट है वाटर। तो यदि वाटर विस्कस है या उसमें उसका टेम्परेचर है, यदि ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो परमेबिलिटी विस्कोसिटी कम होगी। ठीक है, कम टेम्परेचर तो विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, तो ये कुछ रहता है। तो के इज़ प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ फ्लूड मीडिया डिवाइडेड बाई विस्कोसिटी। तो जनरली वाटर के केस में जो होता है ये गामा डब्ल्यू हो जाता है। तो इसको यदि आपको कोई दो सॉइल है और दोनों के बीच में कुछ निकालना हो रिलेशन, तो आप ये फार्मूले का यूज़ करेंगे, γW1 / γW2 ρ2 / ρ1। ठीक है, फिर शेप ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल कैसे है, राउंडेड है, एंगुलर है, इस पर भी डिपेंड करेगा। फिर उसके बाद सेचुरेशन पे डिपेंड करेगा, सेचुरेटेड होगा तो जल्दी फ्लो होगा। फैब्रिक पे डिपेंड करेगा, सॉइल की पार्टिकल्स किस तरह से बने हुए हैं, डिस्पर्सन है या किस तरह से फ्लोकुएंट स्ट्रक्चर है या डिस्पर्सिव स्ट्रक्चर से। फिर इम्प्यूरिटीज पे भी डिपेंड करेगा, टर्बाइट वाटर है या उसमें किसी तरह के फॉरेन मटेरियल्स की मिलावट है या मिश्रण है, तो वो भी इन चीज़ों को वो करता है। और एक और इम्पॉर्टेंट है एब्जॉर्ब क्रेटोइंस इन द क्ले मिनरल सरफेस पे। यदि उनके सरफेस के अंदर, वाटर के अंदर, क्ले के अंदर यदि किसी तरह के मिनरल्स अटैच्ड है, तो वो क्या करते हैं, वो केटाइंस वो भी क्या करेंगे कि वो जो एब्जॉर्ब क्रेटोन्स जो होते हैं वो भी कहीं ना कहीं उसके वाटर के साथ में अट्रैक्ट करके डिफ्यूज डबल लेयर बना लेंगे, जिसके कारण कि परमेबिलिटी आपकी इंक्रीज होगी। आपने डिफ्यूज डबल लेयर पढ़ा होगा, तो डिफ्यूज डबल लेयर में क्या होता है कि आपके जो केटायंस होते हैं क्ले के अंदर, जो केटायंस होते हैं वो पानी के एनायन से एक्सचेंज कर लेंगे, और केटायन एक्सचेंज प्रोसीजर के कारण वो जो इसके सरफेस होते ये हमेशा नेगेटिव चार्ज रहता है क्ले पार्टिकल्स पे, और वाटर हमेशा पॉजिटिव लेके चलता है। तो इस तरह से डिफ्यूज डबल लेयर बना लेते हैं अपने सरफेस के आसपास। तो ये जो लेयर होती है ये पानी को होल्ड करके रखती है। तो ये भी एक मेजर रीज़न है कि वाटर परमेबिलिटी आपकी बढ़ेगी। जैसे ब्लैक कॉटन सॉइल है तो वहाँ पे परमेबिलिटी इंक्रीज इन द फॉलोइंग फ्यूजन। ठीक है, नो क्ले हैव्स स्मॉलर परमेबिलिटी, हैज द क्ले कोर इज अर्थन डैम सॉइल इज ट्रीटेड विद द सॉल्ट वाटर इन टू इनहिट सीपीएस। ठीक है, इफेक्टिव स्ट्रेस का भी इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ने से वाइड रेशो डिक्रीज होता है और परमेबिलिटी भी डिक्रीज होती है। ठीक है, तो ये एक जनरलाइज इक्वेशन है, ये भी आप नोट कर लीजिए, कोजे कार्मन इक्वेशन। ठीक है, ये वही इक्वेशन है जहाँ पे अभी हमने ई क्यू अपान में 1+E, γW/μ, जितने भी फैक्टर्स की बात करी, सेफ फैक्टर, डायमीटर का स्क्वायर, ये सारी चीज़ें वही हैं। ठीक है, तो ये इक्वेशन का एक डेरिवेशन है, कई बार
आता भी है, कई बार नहीं भी आता है। इनडायरेक्ट मेथड होती है, इसके थ्रू हम डायरेक्टली इसको फाइंड आउट, यदि आपको किसी सॉइल का ई पता है, सेफ पता है, गामा डब्ल्यू वाटर पता है, मीडिया पता है, तो आप यहाँ से डायरेक्टली इसको निकाल सकते हैं। चलिए, तो यही एक चीज़ इसमें मिस थी, आपकी परमेबिलिटी और इफेक्टिव स्ट्रेस एंड जो आपका ये सीपेज प्रेशर क्विक सैंड कंडीशन, ये पोर्शन आपके सिलेबस में मिस था। इसके अलावा एक पोर्शन और है आपका जो इसमें मिस है, एक आपके दो टेस्ट जो रिमेनिंग है जो कि आपके इससे रिलेटेड है, स्वेलिंग से रिलेटेड है, स्वेलिंग प्रेशर एंड स्वेलिंग इंडेक्स क्या होता है, तो ये दोनों टेस्ट को भी मैं अभी इसी लेक्चर्स में डिस्कस कर लेता हूँ आपसे। ओके, सो स्वेलिंग प्रेशर एंड स्वेलिंग इंडेक्स बहुत आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ दी एक्सपेंसिव अर्थ ब्लैक कॉटन सॉइल। तो एक्सपेंसिव सॉइल का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी सॉइल होती है जिसकी एक टेंडेंसी होती है, जिसकी प्रॉपर्टीज़ होती है कि जब भी हम उसमें पानी मिलाएंगे तो पानी मिलाने के कारण वो उसके वॉल्यूम को क्या करती है, इंक्रीज़ करती है, और जैसे ही उसका वॉल्यूम आपका पानी निकलता है, ड्राई होती है सॉइल, तो वो श्रिंकेज हो जाता है उसमें, उसने कहीं ना कहीं उसके वॉल्यूम में रिडक्शन हो जाता है। जैसे हमारे जो इस एरिया में राजस्थान का जो है मालवी रीजन है, झालावाड़ या कई पार्ट में राजस्थान के, यहाँ पर ब्लैक कॉटन सॉइल या काली मिट्टी पाई जाती है। तो ये काली मिट्टी क्या होती है, आप में से कई लोगों ने देखा होगा कि बारिश के समय में कई बार बहुत ज़्यादा मड़ी या कीचड़ के फॉर्म में ये जनरेट होती है, बहुत ज़्यादा इसकी चिपकने की भी प्रॉपर्टीज़ होती है, स्वेलिंग की प्रॉपर्टी होती है, स्वेल होती है बहुत ज़्यादा, पानी मिलते ही ये फूलने लगती है, ठीक है। और जैसे ही गर्मी का समय होता है तो कई बड़े बड़े क्रैक्स इसमें जनरेट होते हैं, कई कई सेंटीमीटर्स के इसमें क्रैक आपने देखे होंगे, बड़े बड़े क्रैक्स इसको इजीली देखने को आपको मिलते हैं, तो ये कहलाता है श्रिंकेज। तो ये प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, ये सॉइल क्रॉप्स के लिए तो काफ़ी बेनिफिशियल है, बट एज ए सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू ये बहुत ही डेंजरस प्रॉपर्टीज़ होती है। ये क्या करता है कि एक तरह से स्ट्रक्चर डैमेज करने का काम करता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर डैमेज कैसे होता है, इसमें आप जब भी कोई बिल्डिंग इसमें कंस्ट्रक्ट करते हो तो इसमें डिफरेंशियल सेटलमेंट होगा, किसी एक पॉइंट पे से आपकी बिल्डिंग जो है ज़्यादा डैमेज, ज़्यादा सेटल हो जाएगी, किसी एक पे रिजिड रहेगी। तो इस तरह से इसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, अंडर इम्पाइल फाउंडेशन वगैरह का डिज़ाइन करते हैं, या फिर ब्लैक कॉटन काली मिट्टी को एक्सकेवेट करके काफ़ी डेप पे जा करके फिर हम मोरम वगैरह से फिल करते हैं, या फिर एरन की इसमें फाउंडिंग्स करते हैं। तो ये कुछ बेसिक सा इसका प्रॉपर्टीज़ होता है। तो इस प्रॉपर्टीज़ को लेबोरेटरी में हम कैसे मेज़र करते हैं, तो दो पैरामीटर होते हैं, दो टेस्ट होते हैं जिसके माध्यम से हम सॉइल की हीविंग को या स्वेलिंग नेचर को हम प्रिडक्ट करते हैं। अच्छा, एक टेस्ट इसमें और होता है आपका श्रिंकेज टेस्ट, जिसको मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। तो श्रिंकेज टेस्ट तो आपका कंसिस्टेंसी इंडेक्स, कंसिस्टेंसी प्रॉपर्टीज़ होती है, जस्ट हम मर्क्यूरी के माध्यम से एक सॉइल का कंटेनर लेते हैं, उसमें सॉइल को पेस्ट करते हैं और उसे हम देखते हैं कि उसमें कितना श्रिंकेज हुआ है, उसे हम मर्क्यूरी में डीप करके जितना भी श्रिंकेज वॉल्यूम है वो मेज़र कर लेते हैं और श्रिंकेज का कंटेंट हम फाइंड आउट करते हैं। बट ये जो दो टेस्ट है, ये दो टेस्ट स्वेलिंग से रिलेटेड है। तो पहला होता है आपका फ्री स्वेल टेस्ट, जिसे हम डिफरेंशियल स्वेलिंग इंडेक्स भी कहते हैं। तो डिफरेंशियल स्वेलिंग इंडेक्स में बेसिकली ये जो टेस्ट है, डिफरेंशियल फ्री स्वेल में क्या होता है कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, हम क्या करते हैं, 2 10 सेंटीमीटर क्यूब के हम सिलेंडर लेते हैं, ठीक है, दो सिलेंडर है, ठीक है। फ्री स्वेल में तो हमने क्या करा, एक में आपने, दोनों में आपने 10-10 ग्राम क्या करी, सॉइल को फिल कर दिया, ठीक है, 100 सीसी के, ये 100 ml के दो सिलेंडर है और इसमें 10-10 ग्राम आपने यहाँ पे सॉइल भर दी, ठीक है। अब आपने इसका लेवल मेज़र करा कि इसका लेवल कितना है, ठीक है। आपने क्या करा, सबसे पहले तो सॉइल भरी 10 ग्राम यहाँ पर, फिर 10 ग्राम यहाँ पर, फिर इसे दोनों को पानी से फिल कर दिया, ठीक है, और फिल करके इसको अच्छा से स्टीरर करके रख दिया। तो अब कुछ मिनट बाद आपने पहले इसको देखा, तो इसमें सॉइल का लेवल क्या था वो आपने नोट कर लिया, और 24 आवर्स में सॉइल चूँकि वाटर के कांटेक्ट में आएगी तो ये स्वेल होगी, तो स्वेल होने के कारण इसका लेवल कहीं यहाँ आएगा, फिर आप इसके लेवल को मेज़र कर लेंगे। तो इन दोनों के का जो डिफरेंस होता है, ये डिफरेंस कहलाता है आपका फ्री स्वेल इंडेक्स। तो फ्री स्वेल इंडेक्स इज़ द फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम इंटू 100,
ठीक है। तो इस फ्री सोइल टेस्ट में हमने क्या करा कि जस्ट सॉइल को पानी के माध्यम में रखा, पानी में हमने इंसर्ट कराए और उसे हमने मेज़र कराए। बट आपका जो डिफरेंशियल सोइल टेस्ट होता है, ये कुछ फ्री सोइल का परसेंटेज है, लाइक 1200 से 2400% यदि बढ़ गया है वॉल्यूम, इतना परसेंटेज इंक्रीज हो जाता है, 80%, 30 to 80%। तो ये डिपेंड करता है कि यही ये दिखाता है कि यदि फ्री सोइल 50% से ज़्यादा है तो चांसेस स्ट्रक्चर डैमेज होने की, हम लाइट स्ट्रक्चर को वहाँ पे सजेस्ट करते हैं। ठीक है, ये एक स्वेलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब डिफरेंशियल में क्या आता है, देखिए इसमें एक ड्रॉबैक ये था कि वाटर में कांटेक्ट में आने के कारण सॉइल जो है वो एग्जैक्ट रीडिंग हमें नहीं देती है, इम्प्योरिटीज़ होती है सॉइल में। तो हमने क्या करा कि यहाँ पर दो बीकर लिए, 100 100 के, जैसे हमने पहले लिए थे 100 100 ml के, और यहाँ पे हमने क्या करा 10 ग्राम ओवन ड्राइड सॉइल वही पेस्ट कर दी। पेस्ट करने के बाद हमने एक बीकर में तो डाला पानी और इसको हिला करके, इसको शेक करके, सेटल करके और इसको फुल कर दिया, और एक में हमने डाला केरोसिन। ठीक है, अब ये केरोसिन का क्या यूज़ है यहाँ पे और क्या इसका एडवांटेज है, केरोसिन जो होता है वो बाईपोलर नेचर का नहीं होता, वो पोलर नेचर का होता है। ठीक है, बाईपोलर और पोलर का मतलब क्या होता है कि जिसमें दो पोल होते हैं और इसमें एक ही पोल होता है। ठीक है, तो एक पोल होने के कारण ये क्या करता है, जैसे नेगेटिव पॉजिटिव ये दो पोल होते हैं, ठीक है, इसमें हमेशा एक ही नो पोल होता है। तो ये पोलर नेचर के होने के कारण ये क्या होता है, फोलिक नेचर का होता है, मतलब ये वाटर के, ये सॉइल को क्या करता है, स्वेल होने नहीं देता है। सॉइल जो होती है वो कोरियोसिन के कॉन्टेक्ट में आने के कारण, चूँकि ये पोलर नेचर का है और वो किसी तरह से अट्रैक्ट हो नहीं पाती है, सॉइल हमेशा हमेशा नेट नेगेटिव चार्ज लेके चलती है। ठीक है, तो ये इस कारण से ये अट्रैक्टिव नहीं होती, इसमें एक्सपल्सन नहीं होता है, तो ये यहाँ पर ओवरऑल इसमें स्वेलिंग होने की चांस नहीं होती है, इसीलिए हम ये केरोसिन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो करना कुछ नहीं है कि जो केरोसिन होता है, नॉन पोलर लिक्विड जो होता है, पोल मतलब दो चीज़ है ना, पोल का मतलब होता है दो, प्लस और माइनस, और नॉन पोलर मतलब ओनली सिंगल। तो नॉन पोलर लिक्विड हम ले लेते हैं, आप उसमें 24 आवर के बाद हम क्या करते हैं कि ये जो आपका केरोसिन है इसे हम ले लेते हैं आपकी इनिशियल रीडिंग, जो कि एग्जैक्ट रीडिंग हमें देगा, और जो फाइनल रीडिंग है वो हो गई वाटर की, ये हो गया आपका के, ये हो गया वॉट डब्ल्यू। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसका परसेंटेज हो जाता है DFS, डिफरेंशियल फ्री स्वेलिंग इंडेक्स टेस्ट। ठीक है, तो ये इसकी कुछ वैल्यू है 20%, 20 to 35%, 35 to 50, ग्रेटर देन 50। ठीक, तो ये आपने केरोसिन वाटर सॉइल वॉल्यूम इन इनिशियल इन केरोसिन इनटू 100%। ठीक है, इसके अलावा एक टेस्ट और है, स्वेलिंग प्रेशर टेस्ट। स्वेलिंग प्रेशर टेस्ट क्या कहलाता है पहले उसको पढ़ लीजिए, फिर स्वेलिंग प्रेशर टेस्ट का हम वो देखेंगे। स्वेलिंग प्रेशर मतलब कि कितना सॉइल जो है वो प्रेशर जो है वो एग्जर्ट कर रही है। देखिए, तो इसको समझने के लिए पहले ये समझिए कि सपोज़ ये आपका कोई फाउंडेशन है, ये कोई बिल्डिंग बनी हुई है, इस बिल्डिंग के ऊपर ये कोई कॉलम जा रहा है और ये कॉलम में आपने कोई फाउंडेशन की यहाँ पर डिजाइन करी, और ये पूरी ब्लैक कॉटन सॉइल पे, ठीक है, यहाँ पर भी ब्लैक कॉटन है, यहाँ पर भी ब्लैक कॉटन है, आपने ब्लैक कॉटन को इरेज नहीं करा। तो ये ब्लैक कॉटन क्या करती है कि वाटर के कांटेक्ट में आने के बाद ये सॉइल को स्वेल करेगी। तो अब चूंकि अब यहाँ पे तो फाउंडेशन है, तो फाउंडेशन आने के कारण ये क्या करेगी, एक प्रेशर जनरेट करेगी फाउंडेशन को उठाने का, बट वो इतनी कैपेसिटी का नहीं है कि वो पूरी बिल्डिंग को उठा सके। तो वो क्या करेगी, कहीं ना कहीं यहाँ पे एक प्रेशर एग्जर्ट करेगी। तो इस प्रेशर के कारण क्या होगा कि कहीं ना कहीं इस कॉलम में ये जो फ्रेम्ड है इस पर्टिकुलर दूसरे फाउंडेशन के साथ में, सपोज़ यहाँ पे ब्लैक कॉटन नहीं है और यहाँ पे जाता है, तो इन दोनों के बीच में एक डिफरेंशियल सेटलमेंट होगा, ये थोड़ा सा उठने का प्रयास करेगा और ये इसी की जगह पर रहेगा। तो यहाँ पे बिल्डिंग्स में क्रेक जनरेट होंगे, क्रैक्स आपको हर जगह डायगोनल क्रैक बिल्डिंग में देखने को मिलेंगे, जनरली ये दीवारों पर रहेंगे क्योंकि दीवारों के आसपास दोनों तरफ कॉलम है और ये दोनों कॉलम किसी बीम से अटैच है और ये किसी फाउंडेशन से जुड़े हुए, तो ये एक फाउंडेशन थोड़ा ऊपर जा रहा है और ये किसी के पॉइंट पे। तो ये सब चीज़ें जो होती है ये स्ट्रक्चर को डैमेज करती है। तो इसे अवॉइड करने के लिए हम स्वेलिंग प्रेशर का यूज़ करते हैं, स्वेलिंग प्रेशर टेस्ट को मेज़र करते हैं, और सॉइल का स्वेलिंग प्रेशर मेज़र करने के अकॉर्डिंग ही फिर हम उसके फाउंडेशन का ट्रीटमेंट करते हैं और वहाँ पे हम बिल्डिंग के डिज़ाइन करते हैं। तो स्वेलिंग प्रेशर टेस्ट समझ में आ गया क्या होता है, अब इसे कैसे परफॉर्म करते हैं। तो इसे परफॉर्म करने के लिए हमारे पास क्या होता है कि एक होलो सिलेंडर होता है, ठीक है, इस सिलेंडर के अंदर हम क्या करते हैं कि हमारा एक परमेबिलिटी वाला जो मोल्ड हमने पहले देखा था उसी मोल्ड को हम यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं। अब इस मोल्ड में हम क्या करते हैं, तीन लेयर में हमारा कॉन्सेप्ट होता है सॉइल को OMC MDT पे हम फॉर्म पैक कर देते हैं, एक दो और ये तीन,
ठीक है, तीन पे कॉम्पैक्ट करने के बाद इस मोल्ड के नीचे एक ऐसी पानी निकलने की एक व्यवस्था होती है, कैसा होल होता है, टेप होता है, और टॉप पे हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक हम एक प्रूविंग रिंग, यहाँ पे मेजरिंग प्रूविंग रिंग जो है वो यहाँ पे हम इंसर्ट कर देते हैं, और इसका अरेंजमेंट इस तरह से करते हैं कि आपकी जो सॉइल है वो इस लेवल के ऊपर बाहर नहीं निकल पाए, मतलब कहीं ना कहीं हम सॉइल का जो फ्लो है उसे हम रोक देते हैं, ठीक है, सॉइल के फ्लो को हम रोक देते हैं, और हम इसे इस जो होलो सिलेंडर है इस होलो सिलेंडर को पूरा हम पानी से भर देते हैं, तो ये पानी क्या करती है कि इस सॉइल के